हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कौशिक। इस चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक विजेट्स ऐप के बारे में बताऊंगा। तो ये जो ऐप है, ये मोटोरोला फ़ोन्स की स्टॉक टाइम एंड वेदर विजेट्स ऐप है। तो इसको आप ऐसे ही किसी भी फ़ोन में इंस्टॉल नहीं कर सकते। अगर इंस्टॉल कर भी लिया तो भी आपके फ़ोन में का ठीक से काम नहीं करेगा या ओपन नहीं होगा, क्योंकि उसको सिर्फ मोटोरोला के फ़ोन्स के लिए ही बनाया गया है। तो इसी ऐप का एक अपडेटेड और पोर्टेड वर्जन आया है, जिसको आप किसी भी फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो एंड वो ठीक से काम भी करता है। एंड वेबसाइट पे लिखा है ये सभी ऐप्स सिर्फ मोटोरोला के फ़ोन्स में ही सपोर्टेड है। लेकिन बाद में जब मैंने इसको अपने फ़ोन में ट्राई किया तो ठीक से काम कर रहा था। एंड मेरे फ़ोन के अलावा भी मैंने दो तीन फ़ोन्स में इसको ट्राई किया अलग अलग कंपनीज़ के, तो उसमें भी ये ठीक से काम कर रहा था। तो शायद आपके फ़ोन में भी ठीक से काम कर जाए। अगर नहीं भी काम करता है तो क्या हुआ? इस ऐप का साइज़ सिर्फ 3.5 MB तो है, लेकिन आई होप आपके फ़ोन में ठीक से काम कर जाए। एंड इस विजेट की लुक्स देखने में तो काफ़ी अच्छा है, और इसमें आपको इनबिल्ट वेदर ऑप्शन के भी फीचर मिल जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड अगर आपके फ़ोन में ठीक से काम करे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो इसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो आप किसी भी एक ब्राउज़र पर आ जाइए एंड देन आप XDA की साइट पर आ जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है Moto G5S Plus टाइम एंड वेदर विजेट वर्जन 1, 2, 3, 4 फॉर ऑल मोटोरोला डिवाइसेस। लेकिन ये मोटो फोन्स के अलावा भी बहुत से फ़ोन्स में काम कर रहा है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देन इसको स्क्रॉल कीजिए तो वर्जन 1 और 2 के केस में आपके फ़ोन में TWRP या CWM रिकवरी होना ज़रूरी है, लेकिन वर्जन 3 और 4 के केस में रूटेड या रिकवरी किसी का भी ज़रूरत नहीं है। एंड शायद वर्जन 1 और 2 आपके फ़ोन में सपोर्ट ना करें, लेकिन एक बार ट्राई कर सकते हो। एंड इन फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक टेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप डेस्कटॉप साइट को ओपन कीजिए, देन डाउनलोड पे क्लिक करके इस फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिए। तो डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद देन आप किसी भी एक फाइल मैनेजर पे आ जाइए एंड किसी भी सिंपल ऐप फाइल की तरह इसको आप इंस्टॉल कीजिए। तो इंस्टॉल कंप्लीट होने के बाद देन आप विजेट्स के सेक्शन पे आ जाइए। तो ठीक से काम कर रहा है एंड शायद आपके फ़ोन में ठीक से काम करेगा। एंड फ्लैशेबल फाइल को इंस्टॉल करने के लिए पहले आप रिकवरी पे आ जाइए, देन इंस्टॉल पे क्लिक करके आप इस फाइल को फ्लैश कर दीजिए। उसके बाद आप रिबूट सिस्टम कर दीजिए, देने कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसको आप रूटेड फ़ोन्स में एज ए सिस्टम ऐप भी काम में ले सकते हो। तो इसके लिए आप इस फाइल को किसी भी एक सिंपल नाम दे दीजिए, कोई भी स्पेस दिए बगैर। देन इसको आप कॉपी कीजिए एंड उसके बाद आपको रूट सिस्टम प्राइवेट ऐप, तो प्राइवेट ऐप में आने के बाद देन इसको पेस्ट कर दीजिए। इसको प्राइवेट ऐप में रखने का फ़ायदा यह है, बाद में आप जब भी चाहोगे इसको डिसेबल या इनेबल कर सकते हो ऐप इन्फो पे जाके। देन इस APK फाइल को आपको ऐसे भी परमिशन देना है। तो परमिशन देने के बाद देन इसको अप्लाई कर दीजिए और उसके बाद आप अपने फ़ोन को रिबूट कीजिए। उसके बाद ये ठीक से काम करने लगेगा एंड इसको इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ आप इस फाइल को डिलीट कर दीजिए तो हो जाएगा। एंड इस फ्लैशेबल जिप को इंस्टॉल करने के लिए आपको इन सभी के मैच फाइल्स को सिस्टम से डिलीट करना होगा एक एक करके, देने हो जाएगा। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी बताना है तो कमेंट कीजिए। एंड अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के साइड पे जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।